वेलकम बैक टू माय चैनल लवली सिस्टर सी आई डेजी। सो गाइस आप लोग कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पर ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस आज मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही हूँ, उसका ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ। और गाइस मैंने अपना कमरा डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अपने हाथों से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको अपने कान्हा जी के दर्शन करवाना चाहती हूँ। जो जो कान्हा जी का सच्चा भक्त है वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना। और गाइस चलिए अब मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ जो जो मैंने रूम डेकोरेट करने के लिए बनाई हैं। सो गाइस ये मैंने बनाया है अपना रूम डेकोरेट करने के लिए, इस पे लिखा है फॉर एन स्पेशल पेरेंट्स। ये मैंने अपने प्यारे माँ बाप यानी पेरेंट्स के लिए बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 3 बटरफ्लाइज बनाए हैं। आप लोग को ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मैं इसे डेकोरेट करने जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसे कहाँ लगाया जाए, तो चलिए सोचते हैं। सो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ डेकोरेट किया जाए कान्हा जी के नीचे। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, हमारे कान्हा जी भी अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। और गाइज मैंने अपने रूम में और भी सारी चीज़ें रखी हैं डेकोरेट करने के लिए, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज हमने यहाँ पर अपने कान्हा जी की माला भी पहनाई है, देख सकते हैं आप। इस माला के साथ हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यही इन्हें बैठाने की सबसे सही जगह थी, तो इसलिए हमने इन्हें यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर हमने इनके लिए माला भी लगाई है। और गाइज यहाँ पर मैंने ये भी लगाया पेपर पिंक कलर का, यहाँ पर मैं सारे अपने फोटो फ्रेम्स वगैरह रख सकती हूँ, आप देख सकते हैं। सो गाइज अब मैं अपने मम्मी डैडी का फोटो लगा रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और गाइज यहाँ पर मैं अपने नाना नानी का फोटो भी लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये फ्रेम तैयार किया है। और यहाँ पर अब मैं ये लगाने वाली हूँ साइड में। और मैं अब ये भी लगाऊंगी। और गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें लगानी थी वो लगा दी हैं। गाइज मैंने यहाँ पर भी अपना रूम डेकोरेट करने के लिए अपने टेडीज और ये फोटो फ्रेम्स वगैरह लगाए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा टेडी रखा है वाइट कलर का। और ये मेरे कुछ टेडीज और डॉल्स रखे हैं, यहाँ कुछ फोटो फ्रेम्स हैं। और ये मेरा सबसे बड़ा टेडी है जो कि पिंक कलर का है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्रॉर लगाई है जिसमें हम सामान रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम अपना सामान रखते हैं अच्छे से। और इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टेडी रख लिया है। इसे गाइस हम ड्रॉअर बोलते हैं। सो गाइस मैं जिसकी बात कर रही थी वो यही है, हम यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग टेबल को डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये पेपर लगाया है इसे डेकोरेट करने के लिए। हाँ मेरी ये सेफ है, उस पर मैंने लगाए हैं अपने लक्ष्मी गणेश जी, ये गणेश जी हैं। और ये है गाइस हमारी लक्ष्मी माता,
आप देख सकते हैं। और गाइज ये काना जी मैंने अपने आप से बनाए हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसे लगे। आप देख सकते हैं ये मैंने बनाए हैं अपने हाथों से। और गाइज यहाँ पर मैंने अपनी बहन का भी फोटो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका मैंने फ्रेम बनाया है और खुद से अपनी बहन की ड्राइंग बनाई है शेड करके, आप देख सकते हैं गाइज। और गाइज यहाँ पर मैं और अपने रूम को डेकोरेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। ये छोटे छोटे वाइट पेपर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, कलरफुल पेपर और ये सीजर्स ग्लू वगैरह ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। और वैसे मेरा रूम बिल्कुल डेकोरेट हो चुका है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने पिंक पेपर अच्छे से लगाया है कि नहीं लगाया है। और गाइस जिस उसको अपना रूम डेकोरेट करना अच्छा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मुझे तो अपना रूम डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने सारे रूम में बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं जैसे टेडीज, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह। सो गाइस अब मैं यहीं पर अपने वीडियो के एंडिंग करना चाहती हूँ, मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। और गाइस मैं जाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को पूरा देखें। और गाइस आप लोग वीडियो देख तो लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि गाइस हम एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। और गाइस ऐसे ही आप आगे तक हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। ओके गाइस तो अभी के लिए बाय।